हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में फ्री हैंड पाइन कोन्स को पेंट करने की बहुत ही इजी टेक्निक शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे हमें सबसे पहले स्टार्च फ्री वाइट फैब्रिक लेना है और उसे बहुत अच्छे से वेट कर लेना है। फैब्रिक वेट करने के बाद हमें इसे दो पार्ट में डिवाइड करना है। अपर हाफ हम पर्ल मेटालिक ब्लू कलर यूज़ करेंगे एंड लोअर हाफ पर्ल मेटालिक ब्रोंज। अगर आपके पास में मेटालिक ब्लू एंड ब्रोंज नहीं है तो आप नॉर्मल ब्लू एंड ब्राउन कलर भी यूज़ कर सकते हैं। हमें यहाँ कलर्स की क्वांटिटी बहुत कम लेनी है क्योंकि जो बैकग्राउंड क्रिएट करना है वो बहुत ही लाइट होना चाहिए। बैकग्राउंड क्रिएट करने के बाद हमें इस फैब्रिक को बहुत अच्छी तरह से ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। प्लीज़ मेक श्योर कि आपका बैकग्राउंड कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है कलर करने से पहले। अब हम रैंडमली ब्रांचेस पेंट करेंगे। ब्रांचेस पेंट करने के लिए यहाँ पे बर्न सियाना यूज़ कर रहे हैं और साथ में कुछ स्ट्रोक्स वाइट एंड ब्लैक से भी देंगे। ब्रांचेस हमारी कंप्लीट होने के बद हम लीव्स पेंट करेंगे। उसके लिए सैप ग्रीन, लाइट ग्रीन एंड ब्लैक यूज़ करेंगे। Thank you.
ब्लैक हमें बहुत ही कम यूज़ करना है, ब्लैक सिर्फ डेप्थ देने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो रैंडमली दो तीन स्ट्रोक्स ब्लैक के देंगे। लीव्स हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, अब हमें पाइन कोन्स के लिए बेस क्रिएट करना है। बेस क्रिएट करने के लिए बर्न सियाना में थोड़ा सा ब्लैक और पर्ल मेटालिक ब्रोंज कलर हम मिक्स करेंगे शाइनिंग के लिए। Thank you.
फ्लावर्स के लिए हमने सॉलिड सर्कल पेंट किए हैं। एक बार ये बेस क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद हम यही शेड लेकर हमें इसमें स्ट्रोक्स देने हैं, पर उसके साथ में हमें थोड़ा सा ब्रोंज कलर भी एक्स्ट्रा लेना है ब्रश के टिप पर। सबसे पहले हम पूरा आउटलाइन क्रिएट करेंगे। आउटलाइन क्रिएट करने के लिए बाहर से अंदर की तरफ हमें छोटे छोटे से स्ट्रोक्स देने हैं। मेक श्योर कि ब्रोंज कलर ज़्यादा होना चाहिए हमारे ब्रश में, अदरवाइज वो स्ट्रोक्स हाईलाइट नहीं हो पाएंगे। बाउंड्री पर स्ट्रोक्स करने के बाद में सेम यही स्ट्रोक हमें अंदर भी फिल करने हैं रैंडमली। कोन्स हमारे बन चुके हैं, अब हमें फ्लावर में स्ट्रोक्स देने हैं। ये फ्लैट ब्रश नंबर 2 यूज़ किया है। इसमें 1 स्ट्रोक जैसे हम डार्क शेड और ब्रोंज दोनों को लोड करेंगे, पर ब्रोंज हमें ज़्यादा लेना है और कुछ इस तरीके से हम स्ट्रोक्स देंगे।
कोन्स एंड फ्लावर्स बनाने के बाद हमें इन्हें वाइट कलर से हाईलाइट करना है। हमें राउंड ब्रश नंबर 0 यूज़ करना है। लास्ट में फिनिशिंग के लिए हम वाइट कलर ईयरबड्स में लोड करके डॉट्स देंगे रैंडम, जो हमें स्नोफॉल का लुक देगा। फ्रेंड्स, हमारी फ्री हैंड पेंटिंग रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।